हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। आज क्लास खास करी आम साइंस रो किछि एमसीक्यूज करिबा, जोटा अच्छे आपणकर मॉक टेस्ट। आउ एथिरे आपणकर 30 क्वेश्चन अछि, आउ आउट ऑफ 30 आपण माने केते स्कोर करुछंती निश्चित भाव रे कमेंट बॉक्स माध्यम रे दियंतु। एटा आपणकर जणा सब्जेक्ट, एटा एक्सिरेशन रो आपणको क्वेश्चन दिया जाउछि। आउ WEO एग्जाम रे आपणकर साइंस रो खास करी बहुत क्वेश्चन आसुछि। सो ऑल टॉपिक आपणकर जहाँ भी साइंस रो सिलेबस अछि ताको आमे सारिबा। आउ आपणकर बायोलॉजी जहाँ अछि सेटा आपणकर जहाँ भी लाइफ प्रोसेसेस रहउछि, पोषण, रेचन, तापरे परिवहन, संचालन, जनन, ये सब गोटे गोटे चैप्टर आपणकर सिलेबस रे अछि। तो ट्राई करिबा प्रतिदिन गोटे गोटे चैप्टर को सारिबा पाई, ठीक है ला? आपणकर कोऑपरेशन दरकार। आउ आपण माने चाहूँगी क्लास ओडिया रे करा जाऊ, किसी जन कौन इंग्लीश रे करा जाऊ, आउ रेगुलर क्लास इंग्लीश रे ही करा जाऊ छी, जेहेतु एते थोर आपणकर कमेंट आसुछे कि ओडिया रे क्लास हो बोली, तेणु ओडिया रे आज करा जाऊ छी। आउ रेगुलर इंग्लीश आउ ओडिया बोथ लैंग्वेज रे करा जिवो, काहेकि ना OSSPO एग्जाम रे आपणकर क्वेश्चन बोथ इंग्लीश एंड ओडिया रे आसिबो, सेतिप्रति आपणको किछि भी ध्यान दबार नै, बढ़िया से आपण माने प्रिपेरेशन करंतु। जदि आपणको कांसेप्ट क्लियर अछि तले लैंग्वेज सेटा मैटर करेनी। सो देखंतु क्वेश्चन जहाँ भी आपणको दिया जाउछि ता सबु भलसे बुझंतु। आउ आउट ऑफ 30 आपण केते स्कोर करुछंति सेटा मध्ये कुहंतु। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, केउं प्रक्रिया रे शरीररु बर्ज्यवस्तु गुडिक निष्कासित हबा सह विभिन्न जैव रासायनिक कार्यकलाप संतुलन बजाय रहे। ये होची आमर लाइफ रो गोटे प्रोसेस जहाद्वारा बर्ज्यवस्तु निष्कासित होची प्लस आम बॉडी कौन होची ना संतुलित हो रोची बालांस से प्रोसेस को आम कौन कहिबा, पचन, रेचन, जनन ना परिवहन और संचलन। आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे दियंतु जदि आसुची, ठीक है ला? नले मु आंसर कहिबे एबे। ताले यार आंसर हो जिवो ऑप्शन नंबर सी, रेचन। रेचन होची गोटे प्रक्रिया, गोटे लाइफ प्रोसेस जहाँ द्वारा वेस्ट मटेरियल बा जहाँ भी बर्ज्यवस्तु रोचु सेटा आमे रिलीज करुचु आम बॉडी रु, ता सहित आम बॉडी बैलेंस है कि रहुची, ठीक है ला? डिजीज फ्री है कि रहुची। ताले ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, शरीर रे पुष्टिसारर चयापचय फळरे केउ उपादान निर्गत होइथाय। ताले पुष्टिसार कहले आमर प्रोटीन, प्रोटीन रो जते बेले आमर कौन हुए आमर कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म से दुटा मिसेले आपणकर आसीबो कौन चयापचय बा आपणकर कौन मेटाबोलिज्म, जो आपणकर मेटाबोलिज्म प्रोसेस रोचे पुष्टिसार रो ता द्वारा केउ उपादान सृष्टि होउछि, अंगारकाम्ल बा कार्बन डाइऑक्साइड ना यूरिया ना यूरिक अम्ल बा यूरिक एसिड ना अमोनिया, कौन हबा आंसर जदि जानिछंती कुहंतु। पुष्टिसार अछि, पुष्टिसार चयापचय फळरे केउ उपादान निर्गत हुए, आंसर हबो आपणकर ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। ओके, अमोनिया पुष्टिसार चयापचय रु सृष्टि होइथाय। आउ पुष्टिसार एमिनो एसिड बा रहिछि अमिनो एसिड रो श्रृंखलरु सृष्टि हुए। ओके, अमिनो अम्ल रो श्रृंखलरु पुष्टिसार तयारी, आउ पुष्टिसार चयापचय रु अमोनिया सृष्टि हुए। ओके, मने रखिबे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। प्रति क्लास रे आमे गोटे गोटे चैप्टर सारिबा जहाँ फल रे आपणकर WE एग्जाम भारी भल से आपणकर हबो। आउ एग्जाम जेहेतु आपणकर एग्जाम एपर्यंत हेइनी, सो आमे कोर्स एमती स्टार्ट करिबा, सिलेबस जहाँ अच्छी सब ट्राई करिबा सारिबा पाई। आउ एंड रे बहुत सारा मॉक टेस्ट करिबा, मॉडल पेपर्स मध्ये बहुत सारा करिबा, सो भल भाव रे प्रिपरेशन स्टार्ट करंतु। नेक्स्ट, यूरियार संकेत निम्नलिखित मध्यरु केउटी, केउटी यूरियार संकेत। देखंतु यूरिया होची कौन, जिते भी स्तन्यपायी प्राणी माने अछंती, जस्ट यदि आमे मनीष कथा कहिबा खास करिकि ताले आमर एटा वेस्ट मटेरियल हेथाय बेसिकली, ठीक है ला? ताले यार संकेतटा कौन, केमिकल फॉर्मूला कौन, NHCONH, CO2NHCO2 ना NH2COCO2 ना NHCO2NH, आंसर करने को ट्राई करंतु। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी NH2CONH2। ओके, NH2CONH2 है यूरिया रो फॉर्मूला। नेक्स्ट, रेचन प्रक्रिया रे मीन एक्सिरेशन प्रोसेस रे केउ प्राणी शरीर रु अधिक जल क्षय होइथाय, अर्थात केउ ऑर्गेनिजम्स बॉडी रु अधिक वाटर लॉस हुए आपणकर एक्सिरेशन प्रोसेस रे। ओके, कीट पतंग ना स्तन्यपायी
ना पक्षी ना सरीसृप। आपण को रेप्टाइल्स पचारि पक्षी आपणकर एप्स पतंग रहिले कीट पतंग जहाँ भी आपणकर आसिबे बेसिकली सेमाने आर्थ्रोपोड्स रे जो माने बेसिकली माने कॉडाटा फैमिली नुहंती। ता सहित स्तन्य पाई कहिले मामालिया कहतु जलक्ष जो रेचन वेस्ट मटेरियल जोटा बाहर से प्रोसेस रे स्तन्य पाई मानकर सबुठारु अधिक जलक्ष हुए बुझेगा। जिते भी पक्षी मैंने रही से माने एप्स रे आसंती आउ सरीसृप जिते भी रेप्टाइल्स रही से माने सरीसृप रे आसंती आउ कीट पतंग ता अलग गोटे ग्रुप आसंती। स्तन्य पाई कहले जो माने जराइज माने छुआ जन्म करती से माने होती कौन स्तन्य पाई जो मानकर मैमरी ग्लांड थाए क्लीयर तेल स्तन्य पाई मानक शरीर रु अधिक जलक्ष हुए। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन अच्छी सो आउट ऑफ 30 स्कोर केते करुछंती कहिबे। केउ जोड़ीटी असंबंधित अर्थात केउ जोड़ीटी भूल कुहा जाउछि चेप्टाक्रुमि संकुचि निधानी मणिष ब्रुकक जोको नेफ्रिडिया झेंटिका माल्पीजियन नडिका तले रिलेशन केमिति अछि जानंत। ये सब होछि कोन रेचन अंग नै देखंतु केउ कहार रेचन अंग मैच करू नाही आंसर करने को ट्राए करूँ। देखु जदि आम देखा झिंटिका आउ मालपीझियान नड़िका झिंटिका जो रोची तार रेचन अंग हूँ मालपीझियान नड़िका तेणु यहाँ ठीक अच्छे। नेक्स्ट जीवा जोक को तेल जोकर जो रही कौन रेचन अंग सेटा हूँ नेफ्रिडिया सेटा ठीक अच्छे। ता सहित मनीष मनीषर आमर रेचन अंग रोच किडनी ब्रुकक सेटा ठीक अच्छे। भूल रहा कौन चेप्टाक्रुमि हला चेप्टाक्रुमिर संकुचित निधानी नुहे ठीक है शिक्षाकोश रही यार तेल जो चेप्टाक्रुमिर जो संकुचित निधानी देटा होपणकर भूल आंसर ठीक है सेटा हूँ नुहे रेचन अंग नुहे चेप्टाक्रुमिर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नस्थ केउ जीवर निर्दिष्ट रेचन अंग न थाए क्वेश्चन को भल भाव पढ़े न थाए अच्छी अर्थात कहार एक्सेरेटरी सिस्टम नहीं एमिबा बेंग स्पंज ना झिंटिका तले स्पंज कहले आपण मैंने पोरीफेरा को बुझे ठीक है तले ऑप्शन ही आपणकर ऑप्शन नंबर बी ही अच्छी करेक्ट ऑप्शन ठीक है। जो स्पंज अच्छी बा पोरीफेरा अच्छी एम कौन सी रेस्पिरेटरी ता सहित आपणकर कौन एक्सेरेटरी रेचन अंगिका न थाए बुझेगा। आउ ये खास करके सेसाइल होता गोटे जगह अटैच होती बुझे आ बॉडी रे बहुत सारा कौन थाए एयर स्पेस थाए जहाँफल एमने बहुत कौन फंपा होता दैट मीन आम स्क्विज कर स्पंज। ओके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आउ बेंग आम्फिबियंस आसे कहीं ये उभय जल और स्थल भाग में रहीपे जिते भी बेंग रही ये सब आम्फिबियन ग्रुप आसबे। आउ एमिबिया हूँ कौन एमिबा तले एमिबा हूँ कौन एककोशी प्राणी। ओके सहित ऑप्शन नंबर आमर बी हो सठिक आंसर। नेक्स्ट मनुष्यर रेचन तंत्र निम्नलिखित केउं अंग गुड़ी को नहीं गठित तले रेचन तंत्र कहले आमर कौन जहाद्वारा आमर एक्सेरेशन होना तले बर्ज्यवस्तु त्याग को हेल्प करुवा अंग को कौन कह रेचन अंग तले देखु मनुष्यर पचारि मनीषर तले रेचन अंग कौटी जकृत मूत्राशय हृत्पिंड हृत्पिंड ब्रुकक मूत्रसारणी ब्रुकक मूत्रसारणी मूत्राशय अग्नाशय जकृत मूत्राशय कहतु कौन हो पारे आंसर। ये हृत्पिंड देखिए जोटा कि सर्कुलेटरी सिस्टम रो पार्ट नहीं कौन एटा हूँ ब्लड सर्कुलेशन रे हेल्प करे जहाँ पे आपणकर ब्लड को प्यूरीफाई करे पंपिंग करे तले हृत्पिंड जो ऑप्शन रे थिबो सेटा तो ओब्वियसली हेजिबो भूल। ता सहित देखंतु एठी ये दुटा ऑप्शन कटिगला परे सी आउ डी रहिला ब्रुकक मूत्रसारणी आउ मूत्राशय ये तीनोटी होउछंती आमर रेचन अंग ठीक है। ता सहित मूत्राशय रेचन अंग किंतु ये दुटा ता सहित जड़ित नुहंती ताले ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ब्रुकक मूत्रसारणी ओ मूत्राशय ये तीनोटी होउछि अंग रेचन तंत्र सहित जड़ित ठीक है। आउ केते स्कोर करुछंती आपण माने कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव रे जणैबे। ओके आउ ओ ट्रिपल एस सी पीओ पाई बहुत सारा क्लास होम चेल जदि आपण मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे आपण मैंने विजिट कर दिंतु
ନହେଲେ ନାହିଁ ଅଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତାର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଭିଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଇଯିବେ। ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃକକର ଆକୃତି କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଠିକ୍ ହେଲା, କିଡ଼ନୀ କିଡ଼ନୀ କାର ସେପ୍ କେମିତି ଥାଏ? ବୁଟ ପରି, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ପରି, ମଟର ପରି, ନା ସିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି? ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଜଣେ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜଣେ ଆଡଲ୍ଟର ବୃକକ୍ ବା କିଡ଼ନୀର ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାୟ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? ତାହେଲେ ଜଣେ ଆଡଲ୍ଟର କିଡ଼ନୀର ପ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି 5-7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓକେ। ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ବୃକକର ଭିତର ପାଖରେ ଥିବା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ବୃକକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଠିକ୍ ହେଲା, କିଡ଼ନୀ ସେପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ହେଲା, କିଡ଼ନୀ ବିନ୍ସ ସେପ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ୟାକୁ ୟାର ଯେଉଁ ଖାଲୁଆ ଅଂଶଟା ରହୁଛି ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗବିଣୀ ବସ୍ତି, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ମୂତ୍ରସାରଣୀ, ନା ହାଇଲମ୍? ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ବୃକକର ଖାଲୁଆ ଅଂଶକୁ ହାଇଲମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାଇଲମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକକ୍ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ରହିଥାଏ? ଠିକ୍ ହେଲା, 500,000ରୁ ଅଧିକ, 5,000ରୁ ଅଧିକ, 10,000ରୁ ଅଧିକ, ନା 10,000,000ରୁ ଅଧିକ? ଆନ୍ସର୍ କରନ୍ତୁ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। 10,000,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃକକୀୟ ନଳିକା ବା ନେଫ୍ରନ୍ସ ରହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ବୃକକୀୟ ନଳିକାର କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱଟିର ନାଁ କ'ଣ? ବୃକକ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ କପ୍ ସେପ୍ର ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ, କୈଶିକ ନଳୀ, ନେଫ୍ରନ୍, ନା ମୂତ୍ରସାରଣୀ? ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗିନା ଆକୃତିର ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ବାଓମେନ୍ସ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ କୁହାଯାଏ। ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ବୃକକରେ ଥିବା ପ୍ରତି ନେଫ୍ରନ୍ ସହ ବୃକକୀୟ ଧମନୀର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲସେ, କହିଛି କ'ଣ ନା ବୃକକରେ ଯେଉଁ ନେଫ୍ରନ୍ ସବୁ ଥାଏ, କେତେ 10,000,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୃକକୀୟ ଧମନୀ ଅଛି, ହେଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଖା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ କହିଥାଉ। ସୋ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍, ଏଫରେଣ୍ଟ ଉପଧମନୀ। ନେକ୍ସଟ, ବୃକକର କେଉଁଠାରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରିପିଟ୍ ହୋଇଛି। ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ବୃକକର କେଉଁ ଅଂଶରେ ହୁଏ? ଗବିଣୀ ବସ୍ତି, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍, ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ, ନା ମାଲ୍ପିଝିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ? ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ରେ ରକ୍ତ ଛଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ, ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଓ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ମିଶି କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲକୁ ଆଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଯଦି ସେମାନେ କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି? ଉପଧମନୀ, ମାଲ୍ପିଝିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ, ଗବିଣୀ ବସ୍ତି, ନା ହାଇଲମ୍? ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କର ମାଲ୍ପିଝିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ୍ ଓ ବାଓମେନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ମିଶିକି ମାଲ୍ପିଝିଆନ୍ ପିଣ୍ଡ ଗଠନ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ମୂତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃକକ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ମୂତ୍ର ନଳିକା ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହର ଭିତରକୁ ଖୋଲନ୍ତି ତାକୁ ଗବିଣୀ ବସ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଓକେ, ଗବିଣୀ ବସ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୃକକରୁ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସେ? ତାହେଲେ ବୃକକରୁ ଯେଉଁ ମୂତ୍ର ଆସୁଛି ସେଇଟା କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅପ୍ସନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଗବିଣୀ ବସ୍ତି, ହାଇଲମ୍, ମେଡ଼ିଉଲା, ନା ମୂତ୍ରସାରଣୀ? ତାହେଲେ ମୂତ୍ରସାରଣୀ ଦେଇକି ବୃକକରୁ ମୂତ୍ର ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସିଥାଏ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଦେନ୍, ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଭିତରକୁ କେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ? ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ ବୃକକୀୟ ନଳିକାକୁ କାହାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ୟୁରିଆ,
ना सोडियम मृकोकीय नलिका भितर को प्रोटीन जापे नहीं सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउ उपादान निष्कासित न होई कैशिक नली भितर को पुनः शोषित हो जाए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहुची कि केउ उपादानटी निष्कासित हुए नी बर एटा कौन हुए ना पुनः शोषित हो जाए। ठीक है क्रिएटिनिन ग्लुकोज ग्लुकोज और एमिनो एसिड क्लोराइड और सोडियम ना यूरिक एसिड और जल आंसर कहतु कमेंट बॉक्स रे। तले आंसर हो जब आमर ऑप्शन नंबर बी ग्लुकोज और एमिनो एसिड। ठीक है ये कैशिक नली भितर को पुनः शोषित हो जाए। नेक्स्ट मूत्र रे केउ वर्णकणिका हेतु सुस्थ व्यक्तिर परिश्रार रंग ईसत हलदिया होइथाय बहुत थर क्वेश्चन आसी एटा। ठीक है तले यूरिन रे आपणकर को पिगमेंट रो प्रेजेंस थिबारु आपणकर यूरिन रो कलर येलो कलर रो होउछि। ठीक है ऑप्शन ए क्रिएटिनिन ऑप्शन बी फाइटोक्रोम ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइटिन ऑप्शन डी यूरोक्रोम आंसर आसीबो आपण मानको कमेंट रे लेखंतु यूरोक्रोम ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके यूरोक्रोम मूत्र रे यूरोक्रोम थिबारु यार रंग हलदिया होउछि क्लियर ईसत हलदिया। आउ ओ ट्रिपल सी पीओ पई बहुत सारा क्लास रेगुलर आम चैनल रे करा जाउछि सो जदि प्रथम थर पई आम चैनल रे आपण माने अछंती मस्ट आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु आउ बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु फळरे जहां भी क्लास आम अपलोड करिवु ता नोटिफिकेशन आसुथबो। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन करबा सुस्थ लोकर मूत्र रे कहार उपस्थिति रोगर सूचना दिए। ताले नॉर्मली जदि मूत्र रे कौन आसुचि तेबे से रोगी क्लोराइड यूरिया ग्लुकोज ना सोडियम आंसर करंतु बढ़िया क्वेश्चन इजीएस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ग्लुकोज। सुस्थ लोकर मूत्र रे ग्लुकोज थिले ताकु डायबिटीज हेछि बोली कहा जाए बा तार रोग रे से सूचना दिए। नेक्स्ट केउटी ब्रुकक्र कार्य नुहे तले केउटी हमरा किडनी रो फंक्शन नुहे जल और धातव लवण परिमाण नियंत्रण शरीर रे रक्तचाप नियंत्रण शरीर उत्पन्न सीओ टू और जलीय बाष्प नियंत्रण ना रक्त रे अम्ल और क्षारीय मात्रा नियंत्रण कौन हो पारे आंसर ऑप्शन नंबर सी कहीं देखु जल और धातव लवण कंट्रोल ब्रुकक किडनी करें सो ठीक अच्छे ब्लड प्रेसर ताद्वारा किसी मात्रा रे नियंत्रण हुए सेटा ठीक अच्छे आउ अम्ल और क्षारीय मात्रा नियंत्रण करे तले सीओ टू लेवल आउ जलीय बाष्प लेवल को कंट्रोल करे ना सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट केउं प्रक्रिया मध्यम ब्रुकक शरीर रे अंतः परिवेशर संतुलन बजाय रखे ताहले से प्रक्रिया होछि एई चारोटी प्रक्रिया मन रखि दियंतु परिश्रवण पुनः शोषण क्षरण और निष्कासन ये चारोटी प्रक्रिया द्वारा ब्रुकक शरीर अंतः परिवेश रे संतुलन बजाय रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करिबा 24 नंबर क्वेश्चन झाड़ तैयारी पई चर्मर कौन रही थाए ताले नॉर्मली चर्मरु आपणकर स्वेट आसुची बा झाड़ आसुची ताले सेटा को तैयारी करिबा पई आम चर्मरे कौन अच्छी मेलालिन लोम ग्रंथि स्वेद ग्रंथि ना तैल ग्रंथि आंसर कमेंट बॉक्स रे करंतु चर्म पई आमर स्वेद ग्रंथि अच्छी सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनुष्य शरीर रे चयापचय रु उत्पन्न वर्ज्य कहा सह मिसी खाद्य नली भितर को जाइथाय ताले मनीष शरीर रे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होउची सेथरु वेस्ट मटेरियल आसुची सेडा कहा सहित मिसिकी खाद्य नली को जाउची ताले आंसर हे जीव ऑप्शन नंबर डी पित्तरस। ओके पित्तरस सहित से वर्ज्य मिसिकी खाद्य नली भितर को जाउची। नेक्स्ट लेंबू रे केउ अम्ल थाए आंसर करंतु साइट्रिक अम्ल टटारिक अम्ल एक्जोलिक अम्ल ना पाइरुविक अम्ल तले ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल लेंबू रे थाए कमड़ा रे मध्य थाए आउ तेंतुड़ी रे टटारिक अम्ल थाए। नेक्स्ट तमाखु पत्र रे केउ उपक्षार थाए देखंतु तमाखु पक्ष रे पत्र रे जो
ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉପକ୍ଷାର ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ହେଲା। ସେ ଉପକ୍ଷାରର ନାଁ କ'ଣ? କ୍ୱିନାଇନ୍, ଟ୍ୟାନିନ୍, ରେଜିନ୍ ନା ନିକୋଟିନ୍? ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ନିକୋଟିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ତମାଖୁପତ୍ରରେ ନିକୋଟିନ୍ ନାମକ ଉପକ୍ଷାର ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ୍, କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳିନଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ନିକୋଟିନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ୟୁରିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି କ୍ୱିନାଇନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଖଇର। ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆନ୍ସର୍ କରନ୍ତୁ। ନିକୋଟିନ୍ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ମିଳେ, ତମାଖୁ ପତ୍ରରେ ଥାଏ, କ୍ୱିନାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ଖଇର ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ମାତ୍ର ୟୁରିଆ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ମିଳେ, ଓକେ, ମଣିଷର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ୟୁରିଆ। ନେକ୍ସଟ୍, ରେଜିନ୍ ଓ ଟ୍ୟାନିନ୍ ପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶରୁ ମିଳେ? ପ୍ୟାରେନକାଇମା, କୋଲେନକାଇମା, ଫ୍ଲୋଏମ୍ ନା ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍? ତାହେଲେ ରେଜିନ୍ ଟ୍ୟାନିନ୍ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଆଉ ଏମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଜାଇଲେମ୍ରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଆଜିର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପାକତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟ ମାଟେରିଆଲକୁ ରିଲିଜ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟଟା କରିଥାଏ? ଯକୃତ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ପାକସ୍ଥଳୀ, ଅଗ୍ନାଶୟ? ତାହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଉଛି। ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୁସ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, ଏଇଟା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଅଂଶ। ଆଉ ଯକୃତ ଯାହା ରହିଲା ଏଇଟା ଖାସ୍ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରେ? ପାକତନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନରେ ହେଲ୍ପ କରେ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ମଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। OSSCPO ଏବଂ OSSCWର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ନୂଆ, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଫଳରେ ସବୁଦିନ ଆମେ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛୁ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।